हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मैं शशिकांत शशिकांत वागेरे वागेरे और और आज आज मैं मैं आप आप लोग लोग को को सिखाने सिखाने वाला वाला हूँ हूँ एच एच लुकअप लुकअप फंक्शन फंक्शन एक्सेल एक्सेल में। में। तो देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया है। तो इस एग्जांपल में क्या दिया है, देखो यहाँ पे एक कार का टेबल दिया हुआ है, कार के प्राइस का टेबल दिया है। तो ये कार प्राइस टेबल है और यहाँ पे दिया हुआ है कस्टमर्स के नाम और यहाँ पे दिया है कार रेडी फॉर डिलीवरी, मतलब इन कार ये सारी कार रेडी है डिलीवरी के लिए। तो आज अभी इस वक्त इसका क्या प्राइस है, डिलीवरी प्राइस क्या है, तो वो प्राइस हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो देखो, अगर ये चीज़ निकालना होगा तो मैन्युअली अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले देखना पड़ेगा कि कार कॉलम में जाना पड़ेगा। समझो कार है मारुति स्विफ्ट, तो हम लोग कार कॉलम में जाएंगे या कार फील्ड में जाएंगे, सॉरी। सो यहाँ पे कार फील्ड में जाने के बाद फिर हम लोग सर्च करना स्टार्ट करेंगे कि ये मारुति 800 आई, ये यहाँ पे स्विफ्ट आ गई। जैसे हमें स्विफ्ट कार मिल जाती, फिर हम लोग क्या कर सकते, उस कॉलम में से फाइंड आउट कर सकते कि उसका डिलीवरी प्राइस क्या है। मतलब यहाँ से आगे हम लोग स्विफ्ट के बारे में सारी डिटेल्स वन बाय वन हमें मिल सकती है, जैसे कि प्राइस और समथिंग एल्स होगा, कुछ और आप लोगों ने डिटेल मेंशन की होगी, तो वो सब हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी यही चीज़ अगर हमें लुकअप फंक्शन का यूज़ करके करना होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे एच लुकअप। वाई? बिकॉज एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल लुकअप। एच लुकअप हॉरिजेंटल लुकअप के लिए है। मतलब क्या है, मतलब हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल ये एक डायरेक्शन है कि आपको किस तरह से सर्च करना है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सर्च करना है या आपको वर्टिकल डायरेक्शन में सर्च करना है। तो अगर आपको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सर्च करना होगा सो देन यूज एच लुकअप, और अदरवाइज मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में सर्च करना होगा तो वी लुकअप का यूज़ करना। तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा एच लुकअप, मैं वी लुकअप से ये आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं इक्वल एच लुकअप। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन आ गया, देखो, इट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ ए टेबल। मतलब ये अगर टेबल है तो इस टेबल के टॉप रो में वो सर्च करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टेबल सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम A1 टू E2, तो ये फर्स्ट रो में उसे सर्च करेगा एंड रिटर्न्स द वैल्यू इन द सेम कॉलम फ्रॉम अ रो यू स्पेसिफाई। मतलब जैसे ही आप लोग को वो वैल्यू मिल जाएगी, लाइक मारुति स्विफ्ट मिल गई, तो उस कॉलम में से वो जो कुछ भी डिटेल्स है वो रिटर्न करेगा। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, लुकअप वैल्यू पहले लेते हैं। सो लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपको सर्च करनी है, तो मुझे इसके लिए इसकी प्राइस निकालनी है तो मुझे मारुति स्विफ्ट को सर्च करना होगा। सो पहले मारुति स्विफ्ट सर्च होगी, फिर उसका प्राइस पता चलेगा। सो एम स्विफ्ट इसको मैंने सिलेक्ट किया। सी, मैं सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला ड्रैग करने के बाद मुझे आगे वाले कार्स की भी प्राइस निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा कोट में मारुति स्विफ्ट, तो क्या हो जाएगा, सब जगह मारुति स्विफ्ट की ही प्राइस आएगी आफ्टर ड्रैग, ड्रैग करने के बाद। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस वक्त सिलेक्ट किया। अभी टेबल एरे, टेबल एरे मतलब जो टेबल में से आप लोग को आंसर निकालना है, ठीक है, जो जो टेबल में आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे ये टेबल है, सो ये टेबल आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, फ्रॉम A1 से लेके E2 सेल तक सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम B1 आल्सो, क्योंकि क्या है, हेडिंग आप लोग इंक्लूड करो, नहीं तो मत करो, उसका यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है। तो अगर आप यूज़ करते भी हो यहाँ से रेंज, उन हेडिंग्स को भी इंक्लूड करते हो टेबल में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एनीवे, इस बार मैंने टेबल्स हेडिंग्स को इंक्लूड नहीं किया। अभी ये जो टेबल यहाँ पे आया है या टेबल का जो रेफरेंस आया है, सेल रेफरेंस से जो यूज़ हुए हैं, वो देखो रिलेटिव सेल रेफरेंसेस हैं। रिलेटिव है मतलब क्या है कि जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब B1 का B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, B5 हो जाएगा। तो इस तरह से जब ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर साइन का यूज़ करेंगे कि ये टेबल है, ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, टेबल एज इट इज़ सिलेक्टेड रहना चाहिए। तो हम लोग इन सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट करेंगे, एब्सोल्यूट मतलब कांस्टेंट बनाएंगे कि ये चेंज नहीं होगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दो डॉलर साइन का यूज़ किया। पहला डॉलर साइन मैंने यूज़ किया बिफोर कॉलम लेबल, ये कॉलम है उसके लेबल के पहले एक डॉलर साइन यूज़ किया, ये रो लेबल है उसके पहले एक डॉलर साइन यूज़ किया। फिर उसके बाद मैंने सेम थिंग
E2 के साथ भी की, वहां पे डॉलर साइन यूज कर रहा हूं मैं। सो इसको भी मैंने कांस्टेंट बना दिया कि डॉलर ई डॉलर टू करके मैंने कांस्टेंट बना दिया। उसके बाद सो मैंने यहाँ पे टेबल सिलेक्ट किया जहाँ पे मुझे सर्च करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रो इंडेक्स नंबर, मतलब आपको आंसर कहाँ से चाहिए। ठीक है, उसको तो पता नहीं ना हेडिंग्स क्या है या कहाँ से किस कॉलम में से आपको एग्जैक्टली चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, सॉरी किस रो में से एग्जैक्टली चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उस रो का नंबर बताना पड़ता है। तो देखो इस टेबल में टोटल दो रोज है, टू रोज है। ये पहला रो है जिसमें M800 स्विफ्ट एरटिगा कार का नाम है, ये दूसरा रो है जिसमें प्राइस दिया हुआ है। सो मुझे आंसर सेकेंड रो से चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया टू। उसके बाद क्या ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, मतलब मारुति स्विफ्ट एग्जैक्टली यहाँ पे मैच करनी है, मैच होना चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच रहेगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करना फॉल्स, अदरवाइज सिलेक्ट करना ट्रू। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, और ये देखो मुझे आंसर मिल गया। अब ये जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके मैं इसको ड्रैग करूँगा।